सर एप्पल का अडोप्टर है क्या आपके पास? ओरिजिनल चाहिए? हाँ जी सर ओरिजिनल चाहिए, दे दीजिए ना, थोड़ा जल्दी दीजिएगा, गाड़ी रोड पे खड़ी है। इस पे पेमेंट कर दो? ठीक है, बिल बना दीजिए। कितना हो गया सर? 1900। ये देखिए सर, हो गया परिणाम कम्युनिकेशन। ठीक है सर, नहीं नहीं थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, जो छोटा सा आपने क्लिप देखा होगा जो अभी हमने प्ले किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि अभी जितने भी छोटे दुकानदार भाई बहन है, कई बार ऐसा होता है 4-5 कस्टमर एक साथ होते हैं, या फिर थोड़ा सा दुकान में रश होता है, या फिर कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसे बहुत ज्यादा घाई है। तो आज अभी तक हम पेटीएम वगैरह पे देखते आ रहे थे कि वो फोटो वगैरह एडिट करते हैं, एक नया स्कैम चालू हुआ है उसमें ये क्या करते हैं लोग कि जब तक आप बिल बना रहे हैं या फिर जब तक आप मोबाइल दिखा रहे हैं, वो आपका बारकोड स्कैन करेंगे, या फिर कई बारकोडों पे जो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से होकर आते हैं, जैसा कि मैं दिखा नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा इधर दिखाएंगे एक बार, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ना बारकोड के ऊपर, अभी हमारा ये पेस्ट है यहाँ पर, तो ये जो बारकोड पे जो नाम होता है ये ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, तो हम लोगों को ना तुरंत देखते ही पता चल जाता है कि इस पे दुकानदार का ये नाम है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी मैंने इन भाई से जो अभी अडोप्टर लिया, मैंने इनको पेमेंट जबकि की नहीं है, मैंने क्या किया है इनके नाम से मेरे हस्बैंड का नंबर सेव कर दिया है, और मेरे हस्बैंड का नंबर सेव करने के बाद, लेकिन मैंने नाम उनका चेंज करके मैंने लिख दिया परिणामी कम्युनिकेशन। अभी वहां पर परिणामी कम्युनिकेशन लिखने के बाद इनको लगा कि मैंने वो 1900 रुपए इनको किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने उनके यूपीआई आईडी पे पेमेंट किए, लेकिन मैंने उस यूपीआई आईडी की उनके उनके नंबर को इनके परिणामी कम्युनिकेशन के नाम से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे सेव किया हुआ है। तो इनको लगा कि मैंने परिणामी कम्युनिकेशन को पेमेंट किए, लेकिन इनके अकाउंट में वो पेमेंट गई भी नहीं है। तो इसी तरीके के फ्रॉड्स को बचने के लिए प्लीज दोस्तों, अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर भी नहीं लगाना चाहते क्योंकि कई बार लोगों को इश्यू आता है या फिर बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो प्लीज एक बार पेमेंट को वेरीफाई जरूर कीजिए, क्योंकि पूरा दिन आप मेहनत करते हैं एक एक रुपए को जोड़ने के लिए, पूरा दिन लोगों को अटेंड करते हैं, लेकिन उसमें एक अगर बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो गया तो आपका पूरा मेहनत कई दिनों का भी जा सकता है। दोस्तों हमारे इस तरीके की वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि हमारे सभी भाई बहन, सभी हमारे फैमिली के लोग, या जितने भी ज्यादा से ज्यादा हम इन दोस्तों में वीडियो फैला सके जो जागरूक हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो पब्लिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो हम चाहते हैं कि हमारी इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचने दीजिए। थैंक यू दोस्तों।